कि अकिस यतीमस अगर अत थो पे मे बसान सह सारे खुद असल मगर अगर हम समझेंगे यतीम का मतलब है क्या, यतीम के लिए कुछ करना क्या है, जन्नत है, दो दुनिया चल रहे हैं, गोट से अरदह सास आलम चलान अरदह सास आलम बनाए अल्लाह ताला, मगर हमारे लिए ये दुनिया नहीं है, मुसलमानों के लिए दुनिया नहीं है, लेकिन वन से हमारा ज़मीन मर चुका है, असल में असल बात यही है, मर चुका है ज़मीन, क्या तेल आसान नहीं यम कौर इत पा ये हाल आ कहीं यम प्रॉब्लम सोसाइटी मज खड़ा हज कि यम यतीम कौर यम चन बिचार हेकान कंसे वनित कि यम चन पन्नस मालिस ति हेकान कि मे वोन तई एम ब्रोंह ति कथ मज हज कि अख मतलब बिलो पावर्टी लाइन हुंद अख नफर आव मे निश दोपन बस करा पन्नी बची खांदर मे वन क्या प्रॉब्लम छ दोपन मे हज वन गोड़े जानतर च कर मकानस रोगन च कर मकानस वो कैसे वो करेगा बेचारा, वो बेटी को पालेगा, वो बेटी की शादी करेगा, मकान को रोगन क्या है, मतलब ये तो सबसे बड़ा बिद्दत है ये समाज में, मतलब समाज के मैं सामने में यही कहना चाहता हूँ कि सबको इसके साथ एकजुट होना चाहिए, ये हमारी बेटियाँ ये आपकी बेटियाँ भी है, सबको मदद करनी चाहिए इनकी, जो पड़ोस में बेटी है हमारी उसकी मदद करनी चाहिए, अगर डायरेक्ट हम मदद नहीं करेंगे थर्ड पर्सन को यूज़ करेंगे, ट्रस्ट को यूज़ करेंगे, खाली अलनूर सिर्फ ट्रस्ट नहीं बाकी ट्रस्ट भी चल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, उनको बीच में लाइए एज मीडिएटर ताकि उसको भी पता नहीं चलेगा कि मुझे किसी पड़ोसी ने मदद की है, लेकिन करनी चाहिए, ज़कात देनी चाहिए, सदका देना चाहिए ताकि हमारे मतलब नजात बन जाएगा हमारे गुनाहों का। एक्चुअली हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि मुझे अल्लाह ताला के लिए कुछ करना है, ये तो ज़रूर हर मुसलमान को, पहले मैं आपको ये बात बता दूँगा मैं ये ट्रस्ट चलाता हूँ विदाउट क्रीड एंड कास्ट, इसमें कोई ज़ात पात नहीं है, हमारे पास शिया कम्युनिटी की बेटियाँ भी है तो मैं इजहार नहीं करना चाहता हूँ यहाँ, इसमें भी दो चार लड़कियाँ हैं, 55 लड़कियाँ हमारी पढ़ रही है हमारे हमारे थ्रू रजिस्टर्ड है, कुछ उसमें कर रही है नीट भी कर रही है कोर्स, तो मतलब विदाउट क्रीड एंड कास्ट चाहे हिंदू मुस्लिम सिख कोई भी हमारे पास आए तो हम उसकी मदद कर देंगे, तभी है हमारे पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी मैं चाहती हूँ कि आप बिदअत ना पालिए, आप मैरिज करिए बहुत सिंपल तरीके से, जिनके पास है नहीं कुछ वो यहाँ आ सकते हैं और यहाँ पे मैरिज कर सकते हैं।